क्या बन जाए। ससुराल इसी ठंडे में कपड़े बदलना कोनो सजा से कम नहीं ना यार। ओए ओए होते क्या हुआ? कौन सोच में से डूबी पड़ी यार तुम? हम ये सोच रहे हैं कि बाबूजी केसर दीदी को मायके जाने के लिए वो उन्हें जबरदस्ती क्यों भेज रहे हैं? भेजना चाहते हैं का मतलब यार? अरे यार मतलब अरे भौजी का मायका है तो भौजी जाएंगे ना, को हम थोड़ी चले जाएंगे। अरे तुम क्या है मतलब हर बात पे हमारे बाबूजी की मतलब ये वो क्या कहते हैं तिल्ली में से तेल निकालने की बात सोचती रहती है तुम। अरे हमारे बाबूजी यार कौन राक्षस थोड़ी है, हर बात कुछ मतलब गलती करेंगे का। कृष्णा हम बाबूजी पर इल्जाम नहीं लगा रहे, बस हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि जब केसर दीदी का मायके जाने का मन नहीं कर रहा है तो फिर बाबूजी उन्हें क्यों जबरदस्ती भेज रहे हैं? अरे यार तुम वो भी ना मतलब कब्बो कबार ऐसी बात कह देते हो कि हमका भी सोचना पड़ता है कि हमारे परिवार का तुम्हारा कभी तालमेल होएगा कि नहीं होएगा। तो हमेशा ऐसे दुई हाथ आगे चलती हो सोच में। अरे यार मतलब हमारे परिवार को ना अच्छा सोचते हैं करने की कोशिश करते तुम या तुम मतलब कोनो नुक्स निकाल देती है। अब हमको एक बात बताओ, तुम शादी के बाद कितनी बार अपने मायके गई हो? गिनती मुश्किल है, मानती हो कि नहीं? अब भौजी बेचारी पहली बार मतलब शादी के बाद पहली बार जा रही तो जाए दो ना यार। मतलब हम तुमको गिनाए वाली बात नहीं कर रहे, ऐसे का देख रहे हो तुम, ऐसे ही बताए रहे। और देखो अभी इनमें का हमारे भौजी की इज्जत का भी सवाल है ना। अब ऐसे नहीं भेजेंगे तो फिर वो तो बोलेंगे कि बहुरिया को मतलब ऐसे बांध के रखते हैं, शादी के बाद मायके ही नहीं भेजते, फिर तो यही लिए भेज रहे होंगे। और क्या और हमको किन बातों में उलझाई दी यार तुम। मतलब यार हम मतलब तने हमारे बारे में सोचे तो थके हारे आए हैं तो मतलब कुछ हम हमरे लायक बात करो है का। अच्छा ठीक है हाँ। बताओ आज का दिन कैसा रहा? क्या काम किया? काम आज के दिन अब बहुत मतलब जैसे हमेशा रहता है, बहुत मतलब मेहनत किए वैसे काम वाम ढूंढे, वो कानूनी काम जो तुम बताई ना वो बिल्कुल। और मतलब का परेशानी का है कि ससुरा हमारा शहर में रौब इतना है ना, मतलब काम देने से पहले ऐसे घबराए जाते हैं, मतलब हम सबसे डरते हैं क्या करें वरना ऐसे काम की कोनो कमी नहीं ना। अब मेहनत कर रहे हैं लगे पड़े तो देखो फिर कुछ तो होएगा फिर। और तो अब यार तुम छोड़ो इस सब बातों को, तुम यार मतलब पहले ही इतना काम वाम करके आया फिर तुम आए के काम वाली बात पकड़ ली है। अरे सरा हमरे पास आओ यार, हमरे बारे में भी सोचा करो क्या। ए बाबू यहाँ देखो ए का बंदी तो बुझा दे यार। बस आ गया खाना। अरे सासू माँ तुम और रहने दो ना, आज ना खाना हम परोसते। नहीं तुम बैठो हम परोसते। अरे सासू तुम आराम से बैठो ना, कि तुम सबके साथ बैठ के खाओगी ना हमको बहुत अच्छा लगेगा। तुम बैठो हम बाद में खा लेंगे। अरे हम दे रहे हैं ना, तुम बस बैठो सबके साथ। अरे श्यामू तुझे तो बड़ी भूख लगी थी ना, अब क्या हो गया? अरे खाना खा लेना। जी माँ। ये खाने में क्या है? अरे भाई आज किसने खाना बनाया है? हाँ ये खाना रोज ऐसा नहीं है। ये खाना आपने नहीं बनाया। इसका स्वाद आपके खाने के जैसे नहीं है। अरे भाई आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आज के खाने में जो कुछ भी मिलाया गया है उससे खाने का स्वाद बिल्कुल बदल गया है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट हो गया है। हाँ पापा सही कह रहे हैं, बल्कि आज खाना बहुत टेस्टी है और कुछ कुछ स्पेशल मिलाया आपने खाने में। हमने कुछ नहीं किया है, इसमें जो भी किया है वो कोमल ने किया है, इसलिए तो खाना इतना अच्छा और जायकेदार है। बिल्कुल सही कह रही हैं नैना जी आप। भाई हमारी बहू के हाथों में तो जादू है। देखिए ना, सारा घर इसके पकाए हुए खाने से महक रहा है। श्यामू अब तू बखानता ही रहेगा या खाएगा भी? हाँ माँ आप भी तो खाइए। काहे अचक गई? हमको देख के हैरान हो गई का? बैठो बैठो। ये सच है कि हम तुमको कभी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब जब से सुना है कि तुम कल जा रही हो, ऐसा एहसास हो रहा है कि हमरे दिल के कोनों कोनों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार भरा। तुम्हारे जाने से एकदम कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कैसर। वो क्या कहते हैं, बहुत खाली खाली लग रहा है। तुम तो हमारी बात पे कोनो विश्वास नहीं आएगा। काय होगा, हम कोनो ऐसा काम कभी यही नहीं जिस पर तुमको विश्वास हो जाए। पेड़ पत्ती जानवर से भी तो मोहब्बत हो ही जाती है ना। तुम तो फिर भी इंसान हो यार, हमरी बीबी हो, अब वो होबे करेगा ना। मानो चाहे ना मानो पर हम तुमसे प्यार बहुत करते हैं। खैर ये सब छोड़ो, ये कहाँ लग गए हम ही तुम्हारे लिए एकदम गर्मा गर्म दूध लेकर आए। कहा है कि आज दिन तक तो हम तुमको कभी कुछ दिए नहीं। सोचा कि बाहर ठंडी बहुत है ना, रास्ता कितना लंबा है, तो तुमको अपनी तबीयत का भी तो ख्याल रखना है ना, इसलिए एकदम गर्मा गर्म दूध खटाखट गटक जाओ। लो यो, लो। प्रतिज्ञा बन जाए। और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।